नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। दूसरा, इन्होंने स्वराज दल की स्थापना का पुरजोर विरोध किया था। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन एक सत्य है। व्याख्या देख लेते हैं। चितरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। ये एक सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे। इन्होंने कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे भी लड़े थे। साल 1922 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अध्यक्ष की हैसियत से चितरंजन दास ने सरकार के विरुद्ध विधानसभाओं में संघर्ष करने और निर्वाचन में भाग लेने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने चितरंजन दास के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। परिणामस्वरूप चितरंजन दास कांग्रेस से अलग हो गए और पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज दल की स्थापना की। स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता था। भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए वे कांग्रेस का विरोध तक करने को तैयार थे। दिनांक 16 जून 1925 को इस कर्मठ नेता का देहांत हो गया था। बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र उन्हें देश बंधु के नाम से पुकारता था। बीते 5 नवंबर को उनकी जयंती थी, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी सेकेंड क्वेश्चन की ओर। प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। दूसरा, इस दिवस को मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीबल सिंघवी कमेटी की देन है। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। ये सम्मेलन अगले साल 8 से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य जनेटा मैस्क रेनहॉस अगले वर्ष 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि होंगी। बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन साल 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। इस दिवस को मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीबल सिंघवी कमेटी की देन है। यह हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है ताकि विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय और भारत सरकार के साथ उनकी भागीदारी को मजबूत किया जा सके और प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से उन्हें दोबारा जोड़ा जा सके। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है प्रवासी भारतीय, अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय साझेदार भारतवंशी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 8 नवंबर, बी 7 नवंबर, सी 6 नवंबर अथवा डी 5 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी 7 नवंबर। व्याख्या देख लेते हैं। पिछले 8 सालों में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर का निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर विश्व के सबसे अधिक जानलेवा रोगों में से एक है। भारत में हर साल कैंसर के लगभग 11 लाख नए रोगियों की पहचान होती है। गौरतलब है कि इसी दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का भी जन्मदिन है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में उमियम झील सुर्खियों में था, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी मेघालय, सी सिक्किम अथवा डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये मेघालय में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग से उत्तर दिशा में लगभग 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों में स्थित एक जलाशय है जिसका नाम है उमियम झील। इसे आमतौर पर बारापानी झील भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1960 के दशक के शुरुआत में
उमियम नदी को बांधकर किया गया था। ये एक मानव निर्मित झील है जो अमेरिकी समोआ सैन मरिनो या बरमूडा की झील से भी बड़ी है। दरअसल हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम और मेघालय भारतीय सेना के साथ मिलकर उमियम झील को वाटर स्पोर्ट्स के लिए विश्व स्तरीय स्थल में बदलने के लिए काम करेंगे। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के फायदों की बात करें तो इसके खुलने से क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में योटा D1 सुर्खियों में था, ये निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, ए विस्फोटक सामग्री का पता लगाने वाला यंत्र है ये, बी आंखों की दूरदृष्टि दोष की जांच करने वाला यंत्र है, सी ये चीन का एक अंतरिक्ष मिशन है, अथवा डी ये भारत में स्थित एक डेटा सेंटर का नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में भारत के दूसरे और उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किया। योटा D1 वर्तमान में ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क में बनाए जा रहे 6 डेटा सेंटर भवनों में से पहला है। गौरतलब है कि ये डेटा सेंटर भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों के करीब स्थित है। ये क्षेत्र की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए गति को बढ़ाने का काम करेगा। बता दें कि 20 एकड़ में फैला योटा ग्रेटर नोएडा डाटा सेंटर पार्क इस क्षेत्र का पहला डाटा पार्क है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।